हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पालक पनीर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है और इसे बनाना बहुत आसान है। आशा करती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस स्वादिष्ट रेसिपी को। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम पालक लिया है। इसको दो तीन बार बढ़िया से पानी से धो लिया है और इधर मैंने पानी उबालने रख दिया है। तो इसमें एक चम्मच चीनी डालेंगे, जिससे जो हमारा पालक है ना बढ़िया हरा भरा बना रहेगा। अब सारे पालक हम पानी में डाल देंगे और इसे हमें लगभग 2 मिनट तक पकाना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पकाना है। और 2 मिनट हो चुके हैं, पालक बहुत अच्छे से पक गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इसे एकदम चिल्ड पानी में डाल लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी में दोस्तों, इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद एक मिक्सी के जार में पूरे पालक को डाल लेना है और थोड़े से हरा धनिया और दो तीन हरी मिर्ची डाल रही हूँ और बिना पानी डाले इसका इस तरीके से प्यूरी बना लेना है। अब इसको साइड में रख देते हैं और दूसरे मिक्सी का जार ले लिए हैं। इसमें 5-6 काजू डालेंगे और 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर को हमने इस तरीके से रफली काट लिया है। इसका भी हम प्यूरी बना लेंगे बिना पानी डाले। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको साइड में रख देते हैं। गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसको थोड़ी देर चला लेना है इस तरीके से। इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। 2 प्याज को मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है दोस्तों, जब तक प्याज ना हल्का गुलाबी ना हो जाए। ये देख पा रहे हो आप, हल्का हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब इसमें टमाटर का प्यूरी डालेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया मिक्स हो गया है। तो जो जार था उसमें थोड़ा मसाला था ना, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर डाल लेना है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कम ही डालिएगा, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच गरम मसाला। मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से और थोड़ा सा पानी डाल लेना है, जिससे जो मसाले हैं ना वो जलेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, पानी डालकर बढ़िया से मिक्स कर दीजिएगा और इसे ढककर हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहिएगा जिससे मसाले जले ना। और ये देख पा रहे हो आप, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले में से तेल अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूँगी। मेथी को बढ़िया से हाथों से क्रश करके डालिएगा, बढ़िया से मिक्स कर देना है इस तरीके से। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पनीर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। अब इसको मसाले में डालकर बढ़िया से मिक्स करना है और मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। इससे जो हमारा पनीर है ना एकदम कच्चा भी नहीं रहेगा, हल्का हल्का पक जाएगा। अगर आपको पनीर एकदम कच्चा रॉ वाला चाहिए तो आप जब वो डालोगे ना पालक का प्यूरी, उसके बाद आप पनीर डाल सकते हो। तो हमारा पनीर बढ़िया से भून चुका है, तो अब हम इसमें पालक का प्यूरी डालेंगे। और जार में जो थोड़ा पालक रह गया था ना, तो उसमें पानी डालकर उसे भी मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, इस तरीके से बढ़िया पनीर और पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों और ढककर मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और ये देखिए, बहुत अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। उबाल आने के बाद हम इसमें 1 छोटा टुकड़ा बटर का डालेंगे, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है दोस्तों, आप इसकी जगह पर मलाई भी डाल सकते हो। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं, जब तक किनारों में से तेल अलग ना हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, किनारे किनारों में से तेल अलग हो गया है और पालक का कलर भी चेंज हो गया है। हमारा बहुत ही डिलीशियस पालक पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है और घी के गर्म होते ही
बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और दो सूखी मिर्ची डालकर इसको इस तरीके से भुनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इस तरीके से हमें पालक पनीर में तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने से ना पालक पनीर का स्वाद और बढ़ जाता है और थोड़े से जो स्लाइस बचा कर रखी थी मैं पनीर का, उसको ऊपर में इस तरीके से ग्रेट कर देना है, जिससे देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत डिलीशियस टेस्टी पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, नान या चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।